नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंशुलि आनंद। G20 समिट को लेकर दिल्ली में आज से विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 से 10 सितंबर को होने वाले समिट की सुरक्षा को लेकर इस बार खास तैयारियां की गई। समिट में सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना के हाथों में है। G20 सम्मेलन को लेकर सेना ने सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं कि जिसे भेदना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। सेना के सुरक्षा चक्र को लेकर न्यूज 24 संवाददाता पवन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। तैयार है हिंदुस्तान, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सैनिकों का पहरा, G20 में सुरक्षा का कड़ा घेरा। G20 की पूरी हुई तैयारी, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भारी। महाशक्तियों का मिलन, दिल्ली में होगा महामंथन। नौ और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के 19 देश और यूरोपियन यूनियन के देशों को मिलाकर कुल 40 देशों के VVIP G20 में भाग लेने दिल्ली आ रहे हैं। जिसको लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लुटियन जोन से लेकर इंडिया गेट तक और पालम एयरबेस से लेकर पूरे प्रगति मैदान के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर तक चप्पे चप्पे पर NSG कमांडोज और 50,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। लगातार सुरक्षा को लेकर रिहर्सल का दौर जारी है। दिल्ली में होने वाले G20 समिट को लेकर बनाए गए सुरक्षा चक्र को तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार सेना के सुरक्षा चक्र में नई दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में नो एंट्री है। दिल्ली के एयर स्पेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वदेशी सर्विलेंस से हवाई सुरक्षा की जा रही है। G20 समिट के लिए खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। होटल की छत पर भी एयर एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। सड़क पर कारकेड की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। G20 समिट को लेकर भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि सुरक्षा दस्ता जो है तैनात है और चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि K9 डॉग स्क्वाड दस्ता के अलावा जो है साथ ही साथ हमारी सेना भी यहाँ पर मौजूद है और कई तरह की इक्विपमेंट भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही मेड इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। और सबसे अहम और ख़ास रोल जो आपको बता रहे हैं कि तीन तरह का सुरक्षा चक्र जो है यहाँ पर बनाया गया, यानी होटल में हमारे मेहमान जहाँ ठहरे हुए हैं या आसपास के इलाकों में जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होना है तो वहाँ पर सुरक्षा कैसी रहेगी और किस तरह से हमारे जो डॉग्स की जो यूनिट है, हमारी जो थल सेना है, वो कैसे जो है कमांड वहाँ पर करेगी। तो आपको बता दें कि तीन लेयर का जो है ये कमांड जो है दिया गया है, यानी जो पहली की जो लेयर रहेगी, जो आप K9 डॉग्स को जो आप देख रहे हैं वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँच करके ये सेकंड पोजीशंस को बताएंगे कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है। यानी तीसरी लेयर में पहला लेयर ये बताया जाएगा, दूसरी लेयर की हम बात बताना जाएंगे। वहाँ पर जो है एंटी डिटेक्टेड मशीन वहाँ पर ले जाई जाएगी और फिर वहाँ पर पूरे इलाके की जो है खोजबीन किया जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या सामान तो वहाँ पर नहीं रखा गया है। थर्ड जो लेयर होगा वो हमारे जो भारतीय सेना है ठीक वहाँ पर पहुँचेगी और फिर अलग अलग त्रिकोण के आकार बना करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी। तब जाकर ये थंब, जैसा कि विजुअल्स में आपने देखा, ये थंब दिखाया जाएगा कि ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारे मेहमान यहाँ पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं।
G20 समिट को लेकर सेना ने इस बार हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने बेड़े में व्हील बैरो रिमोट ऑपरेटेड मशीन को भी शामिल किया है, जो कहीं भी छिपे IED को ढूंढकर उसे नेस्तनाबूद करने में बहुत ही कारगर है। G20 शिखर सम्मेलन के वक्त इंडियन एयरफोर्स के घातक विमान हवाई सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। यहाँ तक कि मध्यम दूरी की मिसाइल को भी अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। इसके अलावा राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 को 24 घंटे तैयार रखा गया है। मेजर अशोक हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। मेजर, मैं पीछे एक इक्विपमेंट देख रहा हूँ, G20 समिट के दौरान इसका क्या रोल है? अच्छा, इस इक्विपमेंट का नाम है व्हील बैरो, जो हमारा रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल होते हैं। जहाँ पर भी हमको सस्पेक्टेड IED मिलता है, इसको हम हमारा कमांड पोस्ट में से रिमोटली ऑपरेट करके इसके द्वारा हम IED जो मिला है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये काम हम डिसरप्टर की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हमारा बंदा, जो आम बंदा, कोई जाके उसके साथ अप्रोच ना करें, सो दैट हमारा बंदा की सेफ्टी भी होती है और जो सस्पेक्टेड मिला है वो एक अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। क्या नाम है इसका? नाम है व्हील बैरो। व्हील बैरो, यहाँ, जी हाँ, व्हील बैरो एक ये ऐसा रीढ़ बनकर सामने आया है भारतीय सेना के लिए। यानी हमारे जो सैनिक हैं, सूरवीर हैं, वो तो सुरक्षित तो रहेंगे नहीं, साथ ही साथ जो संदिग्ध वस्तु आप देखिए सामने, एक डायनामाइट यहाँ बनाया गया है और वो संदिग्ध का नाम दिया गया, जैसे आप देखिए रेड मार्क का वहाँ पर किया गया है, और ये बताने की कोशिश की वो संदिग्ध वस्तु है। हमारे डॉग स्क्वाड ने इस बात की सूचना दिया, तब व्हील बैरो वहाँ पहुँच करके इसे डिस्पोज करने का काम करता है। यानी पूरे दिल्ली और NCR में इलाके की अगर बात करें तो सुरक्षा भारतीय सेना ने पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया है। G20 समिट की सुरक्षा करने के लिए भारतीय सेना का डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद रहेगा। डॉग स्क्वाड के बेड़े में शामिल ये डॉग्स इतने समझदार हैं कि ये कहीं से भी संदिग्ध IED सुनकर उसका पता लगा सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट एरिया में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि G20 का सम्मेलन राजधानी दिल्ली में होने वाला है और उसकी सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी का डॉग स्क्वाड दस्ता पूरी तरह से तैयार है। आखिर भारतीय सेना का, थल सेना का ये डॉग स्क्वाड दस्ता किस तरह से काम करता है, बॉम्ब स्क्वाड दस्ता किस तरह से काम करता है, आपको एक एक तस्वीर से रूबरू कराने वाले हैं। ये मिट्ठू है और मिट्ठू के साथ उसका साथी मैक भी है। मिट्ठू और मैक ही जो है G20 सम्मेलन के दौरान राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है, लगातार यह ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो कहीं रखा हुआ तो नहीं है, और हमारी थल सेना के साथ ये मजबूती के साथ सुरक्षा में लगा हुआ है। वहीं दिल्ली में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में भारतीय सेना के जवानों की तैनाती भी की गई है। बस अब कुछ दिनों का इंतजार है, जिसके बाद पूरी दुनिया भारत की ताकत और मेहमान नवाजी देखेगी। भारत सरकार ने G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली से पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।